यार अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स देख रहे हो ना, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि व्लॉग्स को बिना स्किप करे देखो, या फिर अगर आपको टाइम बचाना है तो स्पीड बढ़ा के थोड़ी सी देख सकते हो। असल में यार हर एक व्लॉग को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप व्लॉग को स्किप करते हो ना, तो यूट्यूब उसकी रीच कम कर देता है, कम लोगों तक पहुंचाता है। आप खुद ही देख लो, हमारे 150K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो व्यूज़ हैं वो 2K या 3K ही आ रहे हैं हर वीडियो पे। तो मैं चाहता हूँ यार इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं। वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक कमेंट डाल दिया करो, कुछ भी। इससे क्या होगा, एंगेजमेंट बढ़ेगी और यूट्यूब वीडियो को और पुश करेगा। आप लोगों का यार सपोर्ट मेरे को बहुत ज़रूरी है, मतलब मेरे को चाहिए, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। भाई देखो, नज़ारा तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन जो हमारे हालात है वो थोड़े बिगड़ गए हैं। ओ ब्रो, भाई बहुत ज्यादा ही पड़ी है यार। मेरे को जुकाम भी हो रहा है, हल्का हल्का बुखार भी हो रहा है। तो नमस्ते, हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। यार आज मैं हूँ असम में और हम जा रहे हैं मेघालय। वो सामने जो आप देख रहे हो ना, वो साइड पल्ली तरफ, वो मेघालय ही है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में असम और मेघालय का बॉर्डर गुवाहाटी पे कुछ इसी तरीके से है। और आज मेरे साथ एक खास व्यक्ति है, और इतना खास है कि ये बंदा ना इंडिया के 29 स्टेट्स इस एक्टिवा पे कर रहा है। भाई ये है दीपेश भाई। हेलो एवरीवन। तो भाई भाई के साथ हम जा रहे हैं मेघालय। मैंने कहा यार मेघालय में ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत इशू है, तो भाई को पकड़ता हूँ। और भाई ना सिनेमाटोग्राफर भी है, वीडियो वीडियो बहुत बढ़िया बनाते, तो इनसे ही सारा काम निकलवाऊंगा अपना, है ना। तो चलो आज का एडवेंचर शुरू करते हैं। अब हम निकल दिए दौकी की तरफ, जो कि मेघालय में ही है। लेकिन क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हमने सोचा क्यों ना रुक के कुछ खा लिया जाए। आंटी ये पाइनएप्पल कितने का है? 100 का? 50 का है? काट के मिलेगा? काट दीजिएगा। भाई लोग, एक मस्त जुगाड़ है दीपेश भाई के पास। ये आप देख रहे हो जिसपे मैं बैठा हूँ, बीच सड़क पे। ये देखो, ये डिकैथलॉन पे मिलती है ये चीज़। और क्या बोलूँ यार, तबीयत थोड़ी आज ख़राब है। क्रोसिन खा के काम चलाया है अभी। उम्मीद है जहाँ पे हम पहुँचेंगे वहाँ जाके ना थोड़ा आराम करने को मिलेगा और मेरी तबीयत बेटर हो जाएगी। बाकी दीपेश भाई की मेहनत है, अभी तो पूरी मैं आराम ही कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है ब्रो? बढ़िया लग रहा है, थोड़ी सी बस बैठने में प्रॉब्लम है। कभी सेटिंग का थोड़ा सिस्टम चेंज कर रहे हैं। अभी तक ये बड़ा इतना मोटा बैग पीछे बंधा हुआ था, अब इसको बीच में ले आएंगे। भाई पीछे बैठेंगे, मैं आगे बैठूंगा, आप देख के थोड़ा कंफर्ट में आएंगे। पर पहला दिन हमें शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है, उसके बाद सेटल हो जाता है धीरे धीरे सब। वैसे अभी तक आप कितने स्टेट कवर कर चुके हो? मैं अभी तक 20 स्टेट्स कवर कर चुका हूँ, और ये 21st है शायद। इसके बाद बस 7 बच्चे हैं और 20 दिन का सफ़र और है। सब हो गया, कश्मीर, केरला, पूरा अपना साउथ और नॉर्थ का पूरा इंडिया हो गया। बस नॉर्थ ईस्ट बचा है, उसके बाद घर। तो आप देखिएगा मेरे वीडियोस, लिंक करेंगे वो। भाई नीचे लिंक डाल दूंगा, देखना भाई। पूरे 29 स्टेट्स कंप्लीट कर रहा है बंदा एक्टिवा पे। आप लोग यार इतना बोलते हो मोटो ब्लॉगिंग करो, बाइक से जाओ, इससे जाओ, उससे जाओ, साइकिल से क्यों जा रहे हो? कुछ लोग बोलते हैं भाई साइकिल से जाओ, इससे उससे क्यों जा रहे हो? लेकिन भाई देखो, जहाँ पे जो चीज़ उपलब्ध हो उससे चले जाना चाहिए। तो यार स्कूटी में पेट्रोल भरवा के हम भी चलते हैं और रास्तों में नजारों का मजा लेने लगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। ओ ब्रो, भाई बहुत ज्यादा ही पड़ी है यार। आप लोगों को दिखाना तो मैं लेक चाह रहा था, सामने जो लेक है, लेकिन हमसे एक गलती हो गई कि ना हमने नो पार्किंग में यहाँ पे ब्रिज पे गाड़ी रोक के ड्रोन उड़ाने की सोची, और हमने ना ध्यान नहीं दिया कि नो पार्किंग भी लिखा था। तो सर ने हमें रोक लिया यहाँ पे और लेके जा रहे हैं आगे पार्किंग में खड़ा करवाने के लिए। देखो क्या होता है, शायद फाइन लगेगा यार। पढ़ा ही नहीं यार हमने बोर्ड, अगर पढ़ा होता ना तो ऑब्वियसली नहीं रुकते भाई, क्यों अपने को पंगा थोड़ी लेना है फालतू का। भाई देखो, नज़ारा तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन जो हमारे हालात है वो थोड़े बिगड़ गए हैं। अब क्या बताऊँ, देखते हैं क्या होगा, ज़्यादा फाइन ना लगे या फिर सॉरी बोल के जाने दें, तो अपना फ़ायदा है। ये रहे अपने दीपेश भाई, कैसा महसूस हो रहा है?
होती है यार, ट्रैवल के एक्सपीरियंस है, सब तरह की चीजें होती है। अभी रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट तो हमने करी, लेकिन उसके बावजूद भी 200 रुपए का फाइन तो हमें देना ही पड़ा। भाई लोग, आज तबीयत थोड़ी डाउन थी और सुबह ना क्रोसिन खा के आया था, तो अब यहाँ पे ऊपर आके ना, शिलोंग से कुछ ही दूर हैं और पहाड़ शुरू हो गए हैं, और यहाँ आके ना ठंड लगना शुरू हो गई है, तो भाई ने बैग से मेरे को जैकेट निकाल के दिया है। भाई लोग मेघालय आओ, भाई लोग मेघालय आओ और बारिश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेघालय का नाम लिटरली यही है कि भाई बादल वाला लय, मतलब बादल की जगह, और जहाँ बादल वहाँ बारिश। आप देखो पूरी सड़क गीली हो रखी है और बहुत ही मौसम बढ़िया है, बट किस्मत से अपन को नहीं मिली क्या अभी तक बारिश। हाँ, किस्मत से हम गीले नहीं हुए और भीगे नहीं है अभी तक। देखो भाई, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में, पैंट बदल रहा है बंदा रोड पे, इतनी खुली रोड सबके सामने। मेरा भी थोड़ा सा हुलिया बदल गया है क्योंकि यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है ना, और वी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट वेट टुडे। क्या क्या करना पड़ता है यार, रोड ही हमारा घर है। तो भाई अपन पहुंच चुके हैं शिलोंग में और बारिश आगे हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना अपने वस्त्र पहन लिए जाए। वस्त्र पहन चुके हैं अब। यार मेरे को ना सूप पीने का मन कर रहा है, क्योंकि मेरे को जुकाम भी हो रहा है, हल्का हल्का बुखार भी हो रहा है, तो गरम गरम इस मौसम में सूप पी के बहुत ही मज़ा आ जाएगा। क्या कहते हो भाई? भाई देखो, बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो यहाँ पे आए हम ढूंढते ढूंढते कुछ सूपी, और भैया ने यहाँ पे हमें सूप चाव खिलाया। इसको सूप चाव बोलते हैं, चाउमीन और सूप है, और ना मेरे को बोला गया है कि अगर ये चटनी चाट लोगे ना तो तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, तो ये भी ट्राई करते हैं, लेट्स सी। बाकी बाहर का व्यू ऐसा कुछ है, कुछ दिख तो रहा नहीं है, क्या दिखा रहा है तू? सॉरी। भाई लोग, ख़राब तबीयत के चलते डिसाइड किया गया है कि हम गुरुद्वारा ढूंढ के ना स्टे करेंगे आज शिलोंग में ही। कोई होटल देखेंगे तो बहुत महंगा पड़ रहा है, गुरुद्वारा चीप भी पड़ेगा, प्लस अपना एक माहौल भी बढ़िया मिल जाएगा, अपने को शांत माहौल, और साथ में ही लंगर की भी व्यवस्था होगी। तो इसीलिए ना अभी आगे गुरुद्वारे की तरफ जा रहे हैं, और आज का स्टे यार यहीं है। वैसे तो डॉकी जाना था बट जा नहीं पाए, क्या कर सकते हैं ना, तबीयत मेरी ज़्यादा डाउन हो गई एकदम से ना, अगर मैं आगे बढ़ता रहा तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो इससे बढ़िया है अभी सो जाओ, कल 8-10 घंटे की नींद लेके उठ जाएंगे। आपको मेरी शक्ल से ही लग रहा होगा कितना थक गया हूँ मैं। अचानक से कहाँ पहुँच गया हूँ गाइज, शाम हो चुकी है यार, मैं हूँ इस वक्त एक गुरुद्वारे में, शिलोंग में हम लोग रुके हैं, क्योंकि मेरा जो बुखार है ना वो लेवल आउट हो गया था, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, तो इसीलिए मैंने समझदारी से में समझी कि हम पैरासीटामोल खा के लेट जाएं, 2-4-6 घंटे की नींद ली है मस्त, अब जाके बहुत अच्छा लग रहा है। चाय पीने जा रहे हैं, ये अपना रूम है, अंदर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा है पूरे में। दीपेश भाई अपना बैग वैग पैक कर रहे हैं, फिर हम चलते हैं थोड़ी सी मार्केट देखते हैं शिलोंग की रात में। हम आ गए गुरुद्वारे से, थोड़ा सा आगे आए हैं, और अपने को दिखा है ये हाइड अवे कैफ़े, कितना प्यारा लग रहा है ना यार, लाइटिंग एंड एवरीथिंग, वाओ। चलो अंदर चलते हैं। मेन्यू में से कुछ गरम गरम देख के तबीयत ठीक करने के लिए मैंने लेमन टी ऑर्डर करी, और भाई ने कैपेचिनो। फिर मैंने अपनी लेमन टी की चुस्कियाँ लेके थोड़ा सा राहत की सांस ली। बिल पे करने के बाद हमें गुरुद्वारे में सेवा करने का मौका भी मिल गया। गुरुजी ने सेवा का मौका दे दिया है। गुरुद्वारे में बहुत रुका हूँ मैं, लेकिन ना मतलब ऐसी सेवा करने का मौका मिलता नहीं है। ठीक है, ठीक है।